कर्व फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं. सबसे पहला ऑप्शंस है प्रोजेक्ट कर्व एंड पुल कर्व. प्रोजेक्ट कर्व एंड पुल कर्व का यूज तभी कर सकते हैं जैसे कि आपको कोई चीज ऑब्जेक्ट के ऊपर डेवलप करना है और आप सही तरीके से उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे या उसको क्रिएट नहीं कर पा रहे, तो आप लोग पुल एंड प्रोजेक्ट का यूज कर सकते हैं. जनरली इसका यूज हम फ्लैट सर्फेस पे कम और राउंड कर्वेचर सर्फेस पे ज्यादा करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात करें फ्लैट सरफेस से हम स्टार्ट करें, ये मेरा फ्लैट सरफेस है, इसके ऊपर मुझे इस तरह का कर्व क्रिएट करना है. तो ये कर्व मैंने क्या किया, एक्सिस के ऊपर रख लिया. ठीक, अगर हम देखें ये कर्व इस पर हाइट पे है. अब मैं चाहती हूँ इस कर्व को मैं इसके ऊपर प्रोजेक्ट करूँ, वो अप साइड एंड डाउन साइड बोथ साइड प्रोजेक्ट हो, दैट मींस कि टॉप फेस एंड बॉटम फेस. तो यूज अ प्रोजेक्ट कर्व. प्रोजेक्ट में सेलेक्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट क्लिक, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आपको सरफेस क्लिक करना है, तो सरफेस आपका ये है, देन प्रेस एंटर. तो आप देखेंगे कि वो प्रोजेक्ट हो चुका है दोनों साइड. अब दोनों साइड प्रोजेक्ट हो चुका है, चाहे आप इसको यहाँ पर. Dear friends, this is our YouTube channel. If you like this video, please subscribe our channel and press the bell icon. And this is our website, chamneyarchitecture.com. And these are the courses we are provide trainings on this software as well as interior designing. Iska surface banaiye ya isse extrude kar lijiye, jo bhi aapko. Ab main isko solid no kar rahi hu, ye dekhiye. और यहां पर मैं इसको सॉलिड यस कर रही हूं. दोनों में डिफरेंस है, ये प्रोजेक्ट कर्व है, दोनों को मैंने एक्सट्रूड किया. चाहे आप इसको बुलियन कटआउट के लिए यूज करिए, वो आपका डिजाइन है. दिस इज अ प्रोजेक्ट. लेकिन फ्लैट सरफेस में यूज करने से तो नॉर्मल प्रोजेक्ट कर्व के लिए मैं यूज कर सकती हूँ अपना कुछ भी सर्कुलर चीज. एंड डिजाइन कर लिया, वापस आए थे परस्पेक्टिव में, प्रोजेक्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद आपका जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है उसको. तो ये सी, ये देखिए ये प्रोजेक्ट हो गया, ये देखिए. इस तरह से आपको प्रोजेक्ट करने में काफी आसानी रहेगी किसी भी फेस के लिए. अब मैं इसे एक्सट्रूड करूं, चलो टेल साइड पे कर लेते हैं. तो ये प्रोजेक्ट कर्व के अपोजिट होता है पुल कर्व. पुल कर्व में क्या होगा, सिर्फ वो टॉप सरफेस पे काम करेगा ना कि बॉटम पे. ये देखिए सिर्फ टॉप सरफेस पे काम करेगा, टॉप सरफेस का जितना डाया होगा उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, वो बॉटम पे आने वाले सरफेस को हैंडल नहीं करता. अभी ये राउंड शेप है इसलिए उसका कर्व के दोनों डिजाइन में चेंज है, दोनों का लेंथ एंड विड्थ चेंज हो गया है. अगर ये आप फ्लैट सरफेस पे करेंगे तो सेम रहेगा. दिस इज अ प्रोजेक्ट कर्व एंड पुल कर्व इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कमांड. नेक्स्ट है आपका डुप्लीकेट एजेस. फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसी शेप बनाई है जिसमें कि आपको डुप्लीकेट एजेस चाहिए. मैं बना लेती हूँ एक शेप यहाँ पर. इस तरह का मैंने कोई शेप बनाया, अब मुझे इसका शेप का ये वाला डिजाइन चाहिए, तो मैं यहाँ पर डुप्लीकेट एजेस का लेती हूँ. तो मैंने ये एज को पिक किया, ये एज को पिक किया और यहाँ से मैंने ये एज को पिक किया, तो मेरे पास इसका डुप्लीकेट एज मिल गया. ठीक है, दिस इज अ डुप्लीकेट एज.
इसी तरह से आपका होता है बॉर्डर, बॉर्डर में आप एक साथ क्लिक करेंगे तो सारा बॉर्डर एक साथ क्लिक हो जाएगा, ना कि इवन एजेस के। ये डुप्लीकेट बॉर्डर है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, जैसे आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर करेंगे तो आपका डुप्लीकेट बॉर्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट एक तरह से वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पर्टिकुलर एजेस को लेके काम कर रहे हैं। क्लियर? हेलो, क्लियर हो गया आपको? हाँ, क्लियर हो रहा है। पक्का? Our YouTube channel Gemini Architecture, and these are the videos. All videos, suppose you want to learn AutoCAD, DLI, 3ds Max, SolidWorks, Revit, Rhinoceros, Grasshopper, as well as lot of software tutorial in this YouTube channel. And please subscribe this channel and press the bell icon for latest information about new videos. And this is our website gemini-architecture.com, and these are the courses we provide training on these softwares.